देश के दिल मध्य प्रदेश में हम आए हैं, नेहा बाथम, अंजना कश्यप और मैं श्वेता सिंह। स्वागत हम करें शिवराज जी आपका? नहीं, मैं आपका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी में आपका हृदय से स्वागत। पहला प्रश्न आपसे पूछती हूं, क्योंकि अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आपके जीवन में दो कमल है, एक जो आपको खिलाना है और एक जो आपके सामने खड़े हैं, कमलनाथ। चुनौती बड़ी है आपके सामने, क्योंकि लगातार शासन इतने वर्षों का है। क्या इस बार थोड़ा सा डर ज्यादा है, क्योंकि अभी चुनावी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है और आपने 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, इतनी जल्दबाजी में क्यों है शिवराज? डरना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है मैडम, ये डर नहीं आत्मविश्वास है। इतने पहले हम अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, जिसको सामने आना हो आ जाए, ये भरोसा है, विश्वास है अपने आप पर, अपने काम पर, जनता के प्रेम पर। पर ये टिकट बांटना इतनी जल्दी आत्मविश्वास है, तो मंत्री पद आवंटित करना चुनाव से एन पहले, ये क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? इसके बाद भी अभी 3-4 महीने के बाद फिर मेरी सरकार बनेगी, उसके पहले मंत्रिमंडल का ये विस्तार हो गया, उसके बाद और देखें। शिवराज जी, ये जो गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर है, जाहिर तौर पर आप अच्छे वक्ता रहे हैं, 18 साल से आपका यहाँ पर राज रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में भी काम करते हैं, लेकिन क्या वजह पड़ जाती है कि बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं, शिवराज जी को हटाया जा रहा है, शिवराज जी दिल्ली जा रहे हैं, क्या होता है ये, आप दिल्ली क्यों जाते हैं बार बार? मैं शायद सबसे कम दिल्ली जाता हूं, आपकी जानकारी सही नहीं सर, है सर। तो फिर ये आती कहां से खबर, ये मीडिया से आती है। तो कोई खतरा नहीं आपकी कुर्सी को, आपके ही नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? कई दिनों से मीडिया कहता रहा है, लेकिन मैं अभी भी बना हुआ हूं। जिस तरह की ताकत इस बार चुनावों में आपको झोंकना है, क्योंकि कमलनाथ की चर्चा एक बार फिर से मैं इसलिए ला रही हूं क्योंकि इस बार लड़ाई टक्कर की होगी, पिछली बार के नतीजों ने इस तरह के संकेत दे दिए थे, उसके बाद आपकी सरकार बनी, ये अलग बात है 14 महीने बाद कैसी बनी, लेकिन आपके लिए चुनौती बड़ी होगी कांग्रेस को, कमलनाथ को हैंडल करने का, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? क्योंकि हमने तो किसी चीज को आज तक चुनौती माना ही नहीं, और हम कोई मेहनत चुनाव में नहीं करते, पूरे साल भर 365 दिन, हर महीने के 30 दिन और 2400 घंटे हम काम में लगातार लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव है तो एक्टिव हो गए। हम लोग कोई फसली नेता नहीं है कि जब चुनाव आया तो एक्टिव हो गए और चुनाव के बाद फिर आराम से बैठ गए, जनता की सेवा लगातार करते हैं, और इसलिए चुनाव में भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, चुनाव की अपनी स्ट्रेटर्जी बनती है। हमारी जो स्ट्रेटर्जी है वो साफ है, खुली हुई है, विकास और जन कल्याण, इन दोनों मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। विकास बोलता है और लोगों की जो सेवा कर रहे हैं वो लोगों को दिखती है, महसूस होती है, दोनों ही चीजें हैं हमारे। पर कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है कि बीजेपी में तो तीन गुट हैं, एक शिवराज है, एक नाराज है, एक महाराज है? जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, उनमें 17 गुट रहते हैं, इसलिए उनको हर जगह वही दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, एक मन है, हम सब मिलके, जो हमारे साथी आए भी सिंधिया जी के नेतृत्व में, वो सब मिलके एक हो गए, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है। कई तो वापस भी चले गए कांग्रेस, इक्का दुक्का तो आते जाते रहते हैं, जो केवल टिकट के लिए आते हैं जाते हैं, उनका उनकी क्या चिंता करना, लेकिन उनका आना भी तो क्या आना था, आप फिर से मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, जिनको जिनको आना था वो नहीं गए, जो इधर उधर से कहीं बह के थोड़ा बहुत आ जाता है वो अपने आप फिर साफ हो जाता है। आपने मुख्यमंत्री, आपने बात की चुनाव में, कहा कि काम के भरोसे रहते हैं, आप काम के भरोसे हैं या रेवड़ी भरोसे हैं, या फिर बीजेपी के मंच पर रेवड़ी नहीं बोलना है, उसे जन कल्याण कहना है, समाज का कल्याण करना है, अन्य पार्टियां करें तो वो रेवड़ी है, अगर आप लाडली बहना योजना करें तो वो रेवड़ी नहीं है, अगर आप अलग अलग स्कीम से लोगों को पैसे दें या फिर अंत्योदय योजना के तहत 5 रुपए में खाना दें तो वो रेवड़ी नहीं है। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, लाडली बहना जैसी योजना रेवड़ी नहीं है। आप उस गरीब बहन से पूछो जो अपने बच्चों को, अगर बच्चा आके मां के गोद में बैठे और कहे कि मेरी शर्ट फट गई, मेरी फ्रॉक फट गई, मां एक फ्रॉक दिला दे, दूध पिलाने की इच्छा हो,
या छोटा मोटा खर्चा आ जाए, ऐसा ना हो और उसको हजार रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़े, नहीं है। और ये हम आज से नहीं कर रहे। देखिए, महिला सशक्तिकरण जीवन का मिशन है, मेरे जीवन का मिशन है। और मुख्यमंत्री जब मैं छोटा सा था तब मैंने बचपन में देखा था, बीच में भेद अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा। मां भी अगर बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाती थी, बधाई गाई जाती थी, लड्डू बांटे जाते थे, लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो मां के चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और वो जो चीज हम देखते थे, भेदभाव, तो मन में एक ही सवाल उठता था, एक ही मां की कोख से बेटा और बेटी दोनों जन्म लेते हैं, फिर दोनों में भेद क्यों? ये समझ में नहीं आता था कि बेटा बेटी में भेद क्यों किया जाता है। और जब इसका उत्तर खोजते थे तो उसका सारांश ये था कि बेटी की शादी बोझ है, बेटी को पालना बोझ है, बेटी की सुरक्षा बोझ है, इसलिए बेटी ना आए तो ही अच्छा है। बेटी की शादी को भी लोग बोझ मानते थे। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मध्य प्रदेश के कई मित्र जानते हैं, पत्रकार मित्र भी जानते हैं, तब भी हम बेटियों की शादी करते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना मानी, क्योंकि मैं जब कहता था कि बेटी और बेटा को बराबर मानो, तो एक बूढ़ी माँ ने मुझे कहा था, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को और बेटे को बराबर मानो, बेटी अगर आ गई बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तुम करवाओगे? मेरे मन में यह बात बैठ गई कि केवल कहने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और तब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना कोई बनाई थी 2006 में, तो वो थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटियों की शादी सरकार करेगी, माता पिता बेटी की शादी को बोझ नहीं मानेंगे। और उसके बाद मन में एक विचार मेरे पैदा हुआ कि बेटी को कब पैदा होने देंगे, क्योंकि सेक्स रेशियो बुरी तरह बिगड़ गया था, हजार बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी। तो मुझे लगा बेटियों को लोग जब तक बोझ समझेंगे इस दुनिया में आने नहीं देंगे, बेटियां कोख में मारी जाती रहेंगी, इसलिए बेटी को बोझ नहीं, बेटी को वरदान बनाओ। और तब मेरे दिमाग में आया कि बेटी अगर पैदा हो, लखपति पैदा हो जाए, तो शायद माता पिता फिर ये कोशिश करेंगे बेटी को आने दो, बेटी के जन्म को मत रोको। और तब पहली बार हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना 2006-07 में, तब कोई चुनाव नहीं थे, कोई रेवड़ी बांटने का सवाल नहीं था। और उसमें यही तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो माता पिता को चिंता की जरूरत नहीं है, बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता के हवाले कर देंगे। और उसको हमने शिक्षा से जोड़ा कि वो पांचवी पास करके छठवीं में जाएगी तो 2,000, आठवीं पास करके नौवीं में जाएगी तो 4,000, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाएगी तो 6,000, बारहवीं में फिर 6,000, और अब लाडली लक्ष्मी 2 में कर दिया, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, पास आउट जब कॉलेज से होगी तो फिर 12,500। और अब यह भी तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अगर उसका एडमिशन उसकी मेहनत से होता है तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। तो ये तो कांग्रेस भी यही कर रही है, अब उन्होंने भी 5 गारंटीज अनाउंस किया है, उसमें कहा है कि 1500 देंगे, कभी 1500 देंगे, कांग्रेस ने कभी लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बनाई, 500 में सिलेंडर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कभी लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बनाई, कांग्रेस ने कन्या विवाह योजना बंद कर दी थी जैसी उनकी सरकार आई। नाम तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम तो वही होता है ना। कांग्रेस ये भी कहती है आपने 2,500 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान किया। शिवराज जी नारियल लेके चलते हैं, पुरानी योजनाएं भूल जाते हैं, नई नई आगे लागू करते रहते हैं। पुरानी वाली कब लागू करेंगे या पुरानी वाली पर काम कब करेंगे? 2,500 योजनाएं कम नहीं होती है? मैं आपके माध्यम से योजनाओं को गिना देता हूँ और पैसे बता देता हूँ कि इसी साल इसी महीने कितने योजनाओं को हमने क्रियान्वित किया। पांचवी पास करके छठवीं दूसरे गांव बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको साइकिल दिलाई, 4,500 रुपए उनके खाते में अभी डाला। बारहवीं में जो बच्चे 75% नंबर लेके आते हैं उनको मामा लैपटॉप दिलवाता, अभी अभी लैपटॉप दिए, इसके पिछले साल भी दिए, उसके पिछले साल भी दिए, जब कमलनाथ आए थे तब उनने बंद कर दिए थे। अगर बारहवीं में अपने अपने गाँव में कोई बेटा है बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आता तो मामा स्कूटी दिलवाता, अभी अभी दिलवाई, आप 2 दिन पहले के अखबार देख लें। हमने जितनी भी योजनाएं अनाउंस की, किसान को सम्मान निधि देने का सवाल हो, 0% ब्याज पर कर्जा देने का सवाल हो, कर्ज माफ की घोषणा वो करें, उन कर्ज का ब्याज हम भरवाएं, हमारी जितनी भी योजना हमने बनाई कोई ऐसी नहीं है कि जिस पर अमल नहीं किया हो। लाडली बहना भी बनाई तो लाडली बहना के खाते में 1.25 करोड़ बहनों के खाते में सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो जितनी योजना बनाई एक एक को क्रियान्वित करके दिया है,
उनने जरूर, कांग्रेस ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया था, कन्यादान योजना बंद कर दी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दिए, गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे वो बंद कर दिए, जन्म के बाद 12,000 देते थे वो बंद कर दिए, लैपटॉप बंद कर दिए, सारी योजनाएं तो उन्होंने बंद की थी।